ओके सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर सैमसंग के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में। हिडन फीचर्स नहीं कहेंगे, यहाँ पर न्यूली एडेड वन यू आई 4 के फीचर भी आप कह सकते हो। यहाँ पर काफ़ी कमाल के फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर, बट हमें कई सारे फंक्शंस और फंक्शनैलिटी के बारे में मालूम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं एंड आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो सबसे पहला चीज़, यहाँ पर आपको जो आपकी गैलरी एप्लीकेशन है इसको अपडेट कर लेना है। इसके मैंने लेटेस्ट एप्लीकेशन का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहाँ से जाकर के भी इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करके अपने डिवाइस के अंदर सिंपली अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपडेट नहीं करना आता है, आपको समझ नहीं आता कि कैसे करना है, तो आप सिंपली गूगल स्टोर से भी कर सकते हो, आई थिंक वहाँ पर अवेलेबल होगी। और अगर वहाँ नहीं है तो गैलेक्सी स्टोर पर तो 110% आपको मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपडेट करने के बाद में मैं दिखाता हूँ थोड़ा जूम इन करके, लाइक कोई भी इमेज है, ऑलराइट, ये तो सारे एमोलेड इमेजेस हैं। खैर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, लाइक ये इमेज है और मुझे इसको क्रॉप करना है। तो नॉर्मली हम क्रॉप कर देते थे, यहाँ से एडिट पर जा करेंगे एंड यहाँ पर हम क्रॉप कर देंगे। लाइक मैंने इसका इतना पार्ट जो है क्रॉप कर दिया। जब आप एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे और ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का मैसेज आएगा जहाँ पर कि मेंशन होगा सेविंग रिप्लेस द ओरिजिनल फाइल। बेसिकली आपको यहाँ पर ओके कर देना है, आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बट ये किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर। लाइक आपने क्रॉप कर दिया एंड यहाँ पर आपकी जो फाइल है कॉपी नहीं होगी, जो ओरिजिनल फाइल है वो क्रॉप होगी। पहले क्या होता था, जो फाइल है लाइक मैंने इसको कट करा है तो ये एक कॉपी फाइल बन जाएगी, ओरिजिनल फाइल सेम होगी जैसे कि थी, यानी कि ओरिजिनल फाइल को कुछ नहीं होने वाला। बट यहाँ पर अब जो ओरिजिनल फाइल है वही क्रॉप हुई है एंड आप चाहते हो कि भाई मैंने गलत क्रॉप कर दी, मैं चाहता हूँ दूसरे एंगल से इसे क्रॉप करना, या फिर आप चाहते हो पूरी इमेज देखना चाहते हो, तो फिर आप सिंपली एडिट पर जाएंगे एंड इसको जो है वापस से जो अंडो है एक तरीके से रिवर्ट, यहाँ पर नाम सैमसंग ने ऐड करा है, लाइक ये क्रॉप कर दिया हमने एंड रिवर्ट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी जो फाइल है वो पहले जैसी हो जाएगी ओरिजिनल पर। तो ये काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटी सैमसंग ने ऐड करी है, यहाँ से आप जो इसको सिंपली सेव भी कर सकते हो तो आपकी जो ओरिजिनल फाइल है, जो क्रॉप हुई फाइल है, वो बैक टू ओरिजिनल हो जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है एंड ये सैमसंग में अभी लॉन्च हुआ है एंड आईफोन में मेरे ख्याल से iOS 12 से आ गया था, मैंने देखा था और मुझे वो फंक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद था। बट सैमसंग में और एंड्रॉयड में अभी तक नहीं आया था, बट फाइनली हैवी और एंड्रॉयड के अंदर भी ये जो फंक्शनैलिटी है वो हमें देखने को मिल जाती है। ये हर एक इमेज पर काम करेगी। अगर आपने इस इमेज को किसी दूसरे स्मार्टफोन के साथ में शेयर कर दिया और वो आपसे तो आपके स्मार्टफोन में शेयर करेगा, तो फिर आप अपने स्मार्टफोन में या किसी और सैमसंग के स्मार्टफोन में भी ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो अगली चीज़ हमें देखने को मिलती है जो कि वन यू आई 4 में इनबिल्ट आएगी एंड सैमसंग ऑलरेडी देता है एंड बेसिकली एंड्रॉयड 12 में तो हर एक स्मार्टफोन के अंदर आने वाली है। यहाँ पर आपको जाना होगा, ओके डिस्प्ले में आ जाना, यहाँ से आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइड की एंड आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, लैंग्वेजेस पर हो गया, साइड की पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पर आप आ जाओगे। तो ये वो एरिया है जहाँ पर कि आप अपना जो पावर बटन है उसके साथ में खेल सकते हो काफ़ी अच्छे से। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा ओपन ऐप के बारे में। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसको कि आप डबल टैप के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर टॉर्च का फंक्शन अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तो अगर मैं डबल टैप करूँगा 1-2 मेरी टॉर्च ऑन हो जाएगी, डबल टैप से बंद हो जाएगी। तो ये काफ़ी सही है और काफ़ी मतलब कहा जाए तो यूज़फुल चीज़ है। ओके इमरजेंसी कॉल, यार ये कैसे डीएक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी कॉल का, मुझे बहुत इरिटेट करता है। बाय द वे यहाँ पर आप चाहे तो कोई और सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी जो है सेलेक्ट करके एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है, गूगल असिस्टेंट को भी आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं, बट उसके आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी तभी आप उसको सेलेक्ट करके जो है एक्टिवेट कर पाएंगे। एंड यही था आज की इस वीडियो में, होपफुली आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखा होगा सैमसंग के बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।